तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह पुरुलिया न्यूज़ साइट संग में स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो खुद का फ़ोटो लगा के, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एकदम आसान है इस स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, खराब लगे, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंजी जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन को टच करना होगा। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी आपको छिड़खानी नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर जो मैं देखो ये जो कुछ मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ, तैयार करके रखा हूँ, वो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये लेयर को कुछ भी आपको छिड़खानी नहीं करना है। और देख सकते हो आगे कुछ इस तरह आपको लेयर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को भी कुछ भी आपको छिड़खानी नहीं करना है। इसमें देखो मैं इमेज वगैरह जो कुछ है यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। और जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको लिरिक्स लिखना होगा, सॉन्ग लिरिक्स। तो ये लेयर को भी कुछ भी छिड़खानी नहीं करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो सबसे पहले ये जो बीट है ये बीट में आपको आना होगा। और ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, तो अब एक फोटो ऐड कर लेना। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों मूव वाला ऑप्शन में आ जाना और फोटो को इस तरह करके जूम कर लेना। अगर आप ये फोटो में स्टेटस बनाना चाहते हो तो थोड़ा ऐसा करके जूम कर लेना और कुछ भी छिड़खानी नहीं करना होगा। एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा। और ये जो लेयर है ये तीन लेयर के नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको इमोजी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो ऊपर में। तो अब क्या करना होगा, फिर से ये जो बिट है ये बिट में आपको आना होगा। ये बिट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा। और यहाँ पर एक फोटो ऐड करना होगा, ये वाला पीएनजी फोटो। तो ये वाला पीएनजी फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके लाइट मोशन में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों जूम ऑप्शन में आ जाना, सॉरी मूव वाला ऑप्शन में आ जाना। जूम ऑप्शन में आके ऐसा करके थोड़ा छोटा कर लेना और जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। और ऐसा करके ठीक से इसको ऐसे रख लेना, उसके बाद एक बार बैक हो जाना, लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा और जो मेन फोटो है उसके ऊपर रख देना, तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो फोटो को ठीक से एडिट कर लेना, एडिट करने के बाद दोस्तों इसका जो ओपेसिटी है वो कम करना होगा। तो ओपेसिटी कम करने के लिए देखो यहाँ पर जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। और इसका जो ओपेसिटी है देखो मैं 15 में रखा था, तो अब भी अपने हिसाब से रख लेना। तो आप चाहो तो देखो 25 भी रख सकते हो, तो अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में इफेक्ट देंगे, तो मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। और यहाँ पर जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, हीरोट को टच करके कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। और जो मेन फोटो है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट करना होगा। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो सॉन्ग लिरिक्स है वो लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को आप लोग प्ले करके सुन लेना सबसे पहले, तो मैं पहले ही सुना हूँ तो इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। और सुनने के बाद दोस्तों लिरिक्स लिखने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, डबल टेक्स्ट में आपको टच करना होगा। और अगर आप इधर से लिरिक्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो मेरा पहले से लिखा है, उधर से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। देखो तो फर्स्ट जो लाइन है, देखो फर्स्ट जो
लिरिक्स है, सॉरी काट हो गया। तो देखो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ, और जो लिरिक्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी कर लेना और नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना। तो फर्स्ट लाइन जो है वो कॉपी करके एलाइड मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, रोबोटो रेगुलर ऑप्शन में आ जाना। ये जो फोन है ये फोन मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना, नहीं हुआ नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये फोन लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। और देखो यहाँ पर जो 18 PT ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से 20 PT कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर टच करना होगा और व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा, मूव वाला ऑप्शन में आ जाना और ऐसा करके देखो ऊपर इसको रख लेना जहाँ आप रखना चाहते हो। तो देखो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं रख दिया हूँ। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट के हिसाब से ये लिरिक्स लेयर को कट करना होगा, मिडिल कट। तो ये देखो अगला बीट में आ जाना, लिरिक्स लेयर को टच करना और इधर से मिडिल कट कर लेना। तो ऐसा करके देखो सबसे पहले ये लिरिक्स लेयर को मिडिल कट कर लेना ऐसा करके एकदम एंड तक, और मिडिल कट करना हो जाने के बाद दोस्तों हमारा जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है। तो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे तो सेकंड लिरिक्स सेम ही है, तो इसको कुछ भी छिड़खे नहीं करना है। तो यहाँ पर जो थर्ड लिरिक्स है वो लिखना होगा। तो थर्ड लिरिक्स लिखने के लिए तो आप लोग सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना और ये लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, इसको पहले हटा देना। हटाने के बाद दोस्तों फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना और थर्ड जो लिरिक्स है वो इधर से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद फिर से लाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों और कुछ भी छिड़का नहीं करना है, खाली एक बार टिक ऑप्शन को टिक करना है। तो ऐसा करके आप सारे लिरिक्स को लिख लेना, और लिरिक्स लिखना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है इसमें इफेक्ट देंगे, तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। इसमें आने के बाद यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिर को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है इसमें फिर से आ जाना। इसमें आने के बाद यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लिरिक्स लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके यहाँ पर जितने सारे आप लिरिक्स ऐड करोगे सभी लिरिक्स लेयर में इफेक्ट को दे देना, और इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर एक पिंजी फोटो ऐड करेंगे, तो वो पिंजी मतलब बॉर्डर ऐड करेंगे, तो ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी बना लेना, और बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना है, देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है शेयर ऑप्शन को टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।